हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस रेबा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ चैनल पर, सो आई एम वेरी सॉरी गाइस। कुछ वजह से मैं बिजी रह रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो एंड देन डालो, तो वेरी सॉरी। आगे मेरे साथ जुड़ो। तो आज दिवाली के दिन मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट किया जाए और मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ ऑयल पेंट के बारे में, जो मैंने खुद बनाया। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आर्ट दिखा देती हूँ। ये है मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट जो कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और काफी लोगों को ये पसंद आ रहा है। फेसबुक में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसा ऑर्डर चाहिए। और हाँ गाइस, मैं आर्ट ऑर्डर्स लेती हूँ। यस गाइस, मैं आर्ट ऑर्डर्स लेती हूँ। आपको अगर पेड आर्ट वर्क्स चाहिए, जैसे कि मानो कि आपके कोई नियरेस्ट वन के बर्थडे हो, कोई भी स्पेशल डे हो, आप उनको कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया रहेगा उनको उनके आर्ट आप उनको गिफ्ट करो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इन दिनों में बहुत चल रहा है ट्रेंड में, तो आपको अगर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे वहाँ आप DM कर सकते हो। तो ऑयल पेंट के बारे में, तो ये है कैनवस। में फर्स्ट ही कैनवस में ट्राई की और ये मेरा कॉलेज का एक पिक था जो कि लास्ट डे में हम रंग लगाए थे सबको, तो उसी का एक पिक है जिसको मैं बनाने के लिए कोशिश करी। मैंने यूज किया स्टूडेंट ऑयल कलर, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैमल के स्टूडेंट ऑयल कलर, इसमें 12 कलर्स होते हैं, देख सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, कलर्स को मिक्स करके आपको देखना है आपको कौन कौन से शेड्स चाहिए, आप खुद बनाओगे। तो मैंने ऐसे किया। तो स्किन कलर बेसिकली ऐसे ही आपको, मतलब कोई भी कलर हो, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करनी होगी कि आपको कौन सी कलर चाहिए। तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा आउटलाइन बनाने में, 5 मिनट में मैंने आउटलाइन बना लिया। और फिर पूरा जो कलर डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो लगा max 3 hours। ओके, वो भी गैप ले लेकर, और इतना जल्दी मैंने बना लिया था, आई वॉज लाइक सरप्राइज कि इतना जल्दी बन भी जाता है। फिर उसके ऊपर आपको और डिटेल्स देनी हो तो आप दे सकते हो। मैंने क्या क्या यूज किया, ये बेसिकली ऑयल कलर आप करते हो तो आपको ये दो चाहिए, आर्टिस्ट प्यूरिफाइड लिंसिड ऑयल, जो कि मैंने मेरा अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी, तो यस ये। और एक डिजिटल टर्पेंटाइन ऑयल, इससे आपको ब्रश साफ करना होता है और ये आप कलर के साथ मिक्स करके, मतलब ब्रश में थोड़ा लगा के आप कलर के साथ मिक्स करके फिर आप कलर करते हो, ठीक है। तो ये दोनों बहुत मतलब जरूरी है ऑयल पेंट करने के लिए। और सूखने में कितना दिन लगा, 3 दिन, ठीक है 3 दिन लगा। मतलब पहले 2 दिन में बिल्कुल नहीं सूखा, बिल्कुल भी नहीं सूखा। मैं मतलब कितने सारे वीडियोस देख चुकी थी, वो बोले 2 दिन में सूख जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन और सारे कलर सूख जाएंगे, लेकिन इतना मतलब लग रहा था हाथ में, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ थोड़ा चिपचिपाहट है। ओ, व्हाइट कलर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, खराब तो नहीं हुआ। ओके ठीक है, मैं धूप में रख दी थी आज दोपहर को, इसीलिए बहुत सारा सूख गया, वरना कुछ भी नहीं सूखा था। यस, धूप में मैंने रखा, मेरे को नहीं पता कि धूप में रखते हैं या नहीं, मैंने सोचा कि चलो धूप में रखते हैं, वरना इसको तो पूरा महीना लगेगा सूखने के लिए, क्योंकि ऑयल कलर है तो सूखने में टाइम लगता है, और वो भी कैनवस के ऊपर, ठीक है। पेपर में कितना लगता है वो मुझे नहीं पता। और हाँ, ऑयल पेंटिंग आप करते हो तो पेपर नॉर्मल पेपर पे नहीं, उसका अलग पेपर होता है, ठीक है, और मुझे नहीं पता, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ओके, और ब्रश मेरे पास ये मोटा ब्रश जो है, इसको मैंने यूज़ किया ये बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए। ये मैंने वाइट कलर और ब्लू कलर, ये जो ब्लू है, ये ब्लू एंड वाइट कलर दोनों को मिक्स करके ये मैंने
बैकग्राउंड में कलर किया, बहुत चमक भी रहा है। और इसको बार्निश करने के लिए कुछ आता है वो मैंने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मतलब कुछ भी। और इतना सारा वीडियोस भी मैंने ज्यादा नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और फॉर्चुनेटली मेरा फेस तो आ गया उस पिक्चर के, मतलब ऑयल पेंटिंग है भाई, फर्स्ट ट्रायल है तो जज मत करो। तो फर्स्ट ट्रायल में मैं तो 10 में से दूंगी मैं खुद को 7 मार्क। और 3 मार्क क्यों मैंने काटा, तो आप अगर आर्टिस्ट हो तो जान सकते हो यार। और आप 10 में से मेरे को कितने मार्क देते हो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इनमें से ये दो मैंने और ये जो मैं थोड़ा टूट गया, ठीक है, दो पतले ब्रशेस यूज किए मैंने छोटे छोटे जगह पे डालने के लिए। फिर ए ब्रश यूज किया और एक दो ब्रश कई जगह पे यूज किया, ठीक है, 6 ब्रशेस यूज किए, ठीक है। अगर आप ऑयल पेंट कर चुके हो, आपको पता है, नॉलेजेस है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरा एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत मजेदार भी है, मतलब ये एक्सपीरियंस और इतना कम टाइम में मैंने बना लिया, आई वॉज लाइक शॉक, वो वाओ, मैंने इतना कम टाइम में बना लिया, लाइक पहला 1 घंटे में शायद पूरा मतलब कलर डाल चुकी थी मैं। फिर उसके ऊपर मैं को मजा आ रहा था तो और थोड़ा ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करते जा रही थी। और एक्चुअली मैं जब तक पूरा ना बन जाए आप तब तक उसके साथ ऐसे छेड़छाड़ कर सकते हो फर्स्ट ट्रायल में। और आपको अगर ऑयल पेंटिंग को लेके आगे बढ़ना है तो आप लाओ चीजें और घर बैठे बैठे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करो। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।